नमस्ते, हेलो एंड कैन शो, दिस इज दिलीप हियर। वेलकम टू जूनियर जेई। यू कैन हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ एज वेल फिजिक्स फॉर जेई नीड फॉर योर अर्ली प्रिपरेशन। ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट माय वीडियो, लेट मी टेल यू, इफ यू आर इन ए स्कूल डेज और इन कॉलेज डेज, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर फैक्ट पता चलेगा, रियालिटी पता चलेगी, क्या चीज़ें वगैरह है और कैसे डील करना है इसके बाद फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो टूडेज टॉपिक इज वाई ओनली जेई। सो लेट मी टेल यू, जेई क्या है, एक एग्जामिनेशन है जो 12th के बाद होती है, ठीक है। और होती क्यों है, अगर इंडिया में अगर आपको इंजीनियर बनना है, वेदर मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या अदरवाइज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सो आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, दैट इज जेई। फिर बात आता है कि भैया जेई नहीं देंगे तो क्या एडमिशन नहीं होता है क्या इंजीनियरिंग में, तो होता है, डेफिनेटली होता है, बट प्राइवेट कॉलेज में होगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है, किसके बेस पे, 12th के बोर्ड के बेस पे, ओके, बोर्ड के रिजल्ट के बेस पे। बट जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज है ना, वो लोग भी ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, जेईई के रिजल्ट को, जेईई के स्कोर को लोग प्रेफरेंस देते हैं। पहले वो लोग को एडमिशन मिलेगा, फिर वही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है, ये सिनेरियो होता है। फिर भी नहीं होता है तो ये जो बोर्ड वाले किसके पास आते हैं एडमिशन के लिए, प्राइवेट के पास, प्राइवेट कॉलेज पास। तो प्राइवेट कॉलेज में अच्छा खासा, लेट्स 10 to 15 lakhs रुपीज आप अप टू फोर ईयर तक, क्योंकि आपका 4 ईयर का आपका इंजीनियरिंग होता है, 4 ईयर तक आप फीस एक्सपेंड करो, खर्च करो, फीस के बाद आपको बहुत ही कम सैलरी वाली आपको जॉब मिलती है, तो देर इज नो मनी फॉर दैट। सो फिर 12th जो आपको ये जेईई एग्जाम देनी पड़ती है। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, जो जिसको पता ही नहीं है जेईई क्या होता है, वो लोग क्लास 9th में या 10th में आते तो उनको पता चलता ही नहीं है कि जेईई क्या है, ओके। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसको पता ही नहीं होता है कि वाट दे वॉन्टेड टू बिकम, वो क्या करना है करियर में, फ्यूचर में। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि क्या करना, मुझे क्या बनना है, और उनको रोड में भी पता होता है कि उनको ये चीज करना है, फिर 12th के बाद साइंस लेना है, साइंस के बाद उनको बीटेक करना है, आईटी से ये करना है, मुझे ये बनना है। तो ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं। सी वेरी फ्रेंकली, ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट का जो माइंड होता है, जितने भी स्टूडेंट्स है, कोई वीक या कोई स्मार्ट, कोई इंटेलिजेंट, ऐसे स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज रखा है, बट वो कैटेगरी खराब है यार, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है ना, उनका माइंड सेम होता है। द थिंग इज कि जितना उनके पास अवेयरनेस होगी, जितना उनके पास नॉलेज होगा, वो उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि सबका माइंड एक जैसा होता है, बट लोग कितना इंप्लीमेंट करवाते हैं, लोग कितना अवेयरनेस अपने पास रखते हैं, दैट विल बी मैटर। फिर बात हम लोग आते हैं कि 12th में, तो फिर लोग इसकी स्टार्ट प्रिपरेशन कब करते हैं, 11th और 12th से। अगर आपने सुना होगा लोग कोटा जाते हैं, तो कोटा में भैया जेईई की प्रिपरेशन होती है। बट अभी का सिनेरियो क्या है, As I told you, कि 9th और 10th वाले के बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस है ही नहीं इतनी अबाउट जेईई, ये अवेयरनेस है ही नहीं। अभी का सिनेरियो क्या है कि इंडिया, as you know that, कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है आफ्टर चाइना, तो इनके जो टॉपर्स है ना, वो 9th और 10th से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। ऐसे मोस्टली टॉपर्स होते हैं जो 9th और 10th से ही अपनी प्रिपरेशन चालू करते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th में थोड़ा वो लोग लाइटली लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें 9th, 10th में क्या होता है, इनके बोर्ड्स वगैरह मैटर करते हैं डेफिनेटली। फिर 11th, 12th में वो लोग एकदम अच्छे से लग जाते हैं, और जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होता है, वो लोग 11th, 12th में लगते हैं। तो ये लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लोग 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैटर तो करता है, मैटर तो भैया करता ही करता है, अच्छे मार्क्स लाने का, अच्छे स्कोर करने का, ठीक है। और ये वाले बच्चे भी क्या, अगर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, तो इन लोग को मिल जाता है आईआईटी, बात करते हैं। सी आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है, तो बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर करेंगे आपके स्टेट में, आपके सिटी में, ठीक है। इसे बात करते हैं कहाँ से करना चाहिए। चलो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज। आईआईटी जो होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंडिया की टॉप कॉलेजेस में आते हैं, जैसे बहुत सारे आईटीज है, आई गेस 23 लगभग आईआईटीज वगैरह है। फिर इसके बाद आता है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद अच्छे खासे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, वो भी आ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से जो चलने वाली जो यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेज होती है, वो आते हैं, ठीक है। अब ये जो आईआईटी है,
यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको जेईई मांगता है भाई, ठीक है? इसमें दो एग्जाम होती है, मेंस और एडवांस। यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको जेईई मांगता है भाई, एडवांस आपने क्लियर किया तो आपको मिलेगा आईआईटी। अगर आपने मेंस सिर्फ क्लियर किया है तो यू विल गो फॉर एनआईटी। पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में तो उन लोग की खुद की इंडिविजुअली एंट्रेंस होती है, वो लोग जेईई से भी एडमिशन लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से वो भी लोग भी जेडब्ल्यू से ही प्रिफरेंस देते हैं मोस्टली। आई सेड मोस्टली। हम लोग कब से बात कर रहे हैं जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू। बोर्ड्स का क्या, 11th 12th का क्या? ये जो बच्चे हैं ना, जो 9th 10th वाले हैं, उनको क्या लगता है कि 9th 10th पढ़ लो, फिर इसके बाद 11th में साइंस ले लेंगे, 12th में साइंस ले लेंगे, फिर करेंगे इंजीनियरिंग, ठीक है? ऐसा होता है। बट द थिंग इज 11th 12th के मार्क्स मैटर ही नहीं करते अगर आपको कोई भी कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी हो तो। मैटर क्या करता है, सिर्फ जेई के स्कोर्स, जेई के मार्क्स, जेई का रैंक, ओके? हाँ, अगर आपको आईआईटी में जाना है तो वहां पर जाने के लिए आपको आपके बोर्ड्स में एटलीस्ट 75% तो आना ही चाहिए आपके 12th की बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ओके? ये चीज है। तो ये तो रियलिटी की हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है? ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। ज्यादा लोग कौन अवेयर नहीं है, जो 9th में इतने ज्यादा ध्यान नहीं देते स्टडीज में, मोस्टली मैं बोल सकता हूँ रूरल एरिया के लोग, ओके? वो लोग को इतना नहीं अवेयरनेस होता है जेडब्ल्यू के बारे में, और जब अवेयरनेस आती है तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है। ऐसी एज आती है जब उनके पास जेडब्ल्यू के बारे में पता चलता है तो बहुत ही लेट हो जाता है वो चीज, ओके? अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि भाई आईआईटी अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप आईआईटी किसी भी आईआईटी से करते हो इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको 4 साल के कंप्लीट होने में आपको ऑन एन एवरेज आपको जो है आपको सैलरी मिलती है, दैट इज दैट विल बी 20 लाख रुपीज पर ईयर। ये आपका पैकेज होता है, ये आपका सैलरी होता है। अगर हम लोग हाईएस्ट सैलरी की बात करें, फिलहाल अभी 2022 में जेम से जेम में आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो वहां पर आईआईटी बीएचयू का एक स्टूडेंट है उसको 2 करोड़ रुपीज का उसको पैकेज मिला है, कहां से, ऊबर की तरफ से, ओके? और इसमें भी एक सिनेरियो, करंट का जो ट्रेंड चल रहा है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके? मोस्टली सब लोग क्या चाहिए आजकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए। उसमें इसको हाईएस्ट पैकेज मिला था अप टू 2 करोड़ रुपीज फ्रॉम द ऊबर। ये हाईएस्ट पैकेज है, 2 करोड़ रुपया 1 साल का, यू कैन डिवाइड बाई 12 फॉर पर मंथ। और अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो भैया 20 लाख रुपीज तो मिल ही जाता है, फिर भी इसके अबव देखा जाता है ना, मोस्टली लोग को मिलता है भाई आईआईटी, जो आईआईटी, लेट मी चेक, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली के 60 स्टूडेंट्स लोग को एवरेज जो है ना 1 करोड़ का पैकेज मिला था, ठीक है? 1 करोड़ का पैकेज मिला था। और जो आईआईटी पटना है, आईआईटी पटना जो अपने बिहार में है, वहां के बच्चे को एवरेज जो सैलरी मिली दैट विल बी 60 लाख पर ईयर, 60 लाख पर साल। अगर आप डिवाइड करोगे 12 से, दैट मीन्स की मंथली वाइज, तो आपको कितना पड़ेगा वो 12 5 60, दैट मीन्स की 5 लाख रुपीज पर मंथ, 5 लाख रुपीज पर मंथ। सपोज आप अगर ये आईडीए पढ़ते हो, ओके? आपका 4 ईयर कॉलेज खत्म होगा तो आपके हाथ में 5 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी होगी। चलो ये आईटी की बहुत ही अच्छी बात है, ये तो है। और आईटी में और अच्छी क्या बात है, अगर आप आईडीए पढ़ोगे तो आपका जो है अच्छा खासा पैकेज मिलेगा आपका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, इंजीनियरिंग खत्म के बाद। और भी बात क्या होता है कि जब भी आप इतनी बड़ी एग्जामिनेशन क्रैक करते हो आईआईटी, दैट मींस की जेईई की एग्जामिनेशन, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, ओके? फिर इसके बाद आप जब उसके अंदर आईआईटी में जाते हो ना, तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है कि आपको प्लेसमेंट अच्छा खासा मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, ओके? फिर इसके बाद कॉलेज जो लाइफ है ना उधर का बहुत ही अच्छा, वहां पर कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा होता है, इतना अच्छा खासा होता है, इतनी सारी एक्टिविटीज होती है उधर, आप अपने हॉबीज फॉलो कर सकते हो, स्पोर्ट अच्छा खासा फॉलो कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा। और सबसे मेन बात मुझे क्या लगता है, आप इतनी मेहनत करके, आप जेईई की एग्जामिनेशन क्रेक करके आप आईआईटी में जाओगे तो क्या आप अकेले रहोगे यहाँ पर? नहीं, वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके वो आईआईटी में जाएंगे। तो वहां का जो स्टूडेंट का जो लाइफ होता है, जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है स्टूडेंट लोग का, क्योंकि जितने लोग भी होंगे सबके सब क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, अच्छे खासे पढ़ने में होंगे, अच्छा खासा माइंडसेट होगा उन लोग का, तो अच्छा खासा माइंडसेट के रहोगे साथ रहोगे तो डेफिनेटली वो फ्यूचर के लिए अच्छा ही है, ठीक है? और फिर अच्छा खासा कांटेक्ट बन जाएगा, क्योंकि यही जो अच्छे खासे जो स्टूडेंट्स हैं, ओके? जो अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिलियंट है, वही आगे जाके
बहुत सारी कंपनियां ओपन करते हैं, जैसे लाइक कि अगर रिसेंटली बात करें हम लोग, जो ओला है, ओला के जो ओनर्स हैं वो भी आईआईटी से पढ़े हुए हैं, फ्लिपकार्ट के हो गया, और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई वो भी आईआईटी के ही हैं, और ट्विटर के जो सीईओ है वो भी आईआईटी के ही हैं, ठीक है। तो इनसे इनके जो बेस में जो फ्रेंड्स उनके पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली उनका कॉन्टेक्ट होगा ही, तो अच्छा खासा कॉन्टेक्ट बन जाता है, और अच्छा खासे सिविल सर्वेंट बन जाते हैं आईआईटी के स्टूडेंट, अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करके, तो उनसे भी अच्छा खासा कॉन्टेक्ट बन जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट बहुत ही मैटर करता है, एट द एंड ओके, आपको ये चीजें बाद में समझ में आएगी। फिर बात करते हैं अपने, फिर आईटी का टैग मिल जाता है आपको, आप कहीं भी जाओगे ना, सपोज कहीं भी जाओगे आप, तो इफ यू विल से दैट कि भैया हम आईआईटीज हैं, या मैं आईआईटी में पढ़ा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी से कम्प्लीट है, तो बहुत ही मैटर करता है, इट्स अ मैटर लॉट, ओके। फिर आप जब पढ़ोगे जिस क्लास में, तो वहाँ पर अलग अलग सेमिनार होते रहते हैं, वहाँ पर फॉरेन के साइंटिस्ट आते हैं स्पीच देने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए, ओके, बहुत ही नोवा पर्सन आते हैं, बहुत ही फाउंडर्स वगैरह आते हैं, तो बहुत ही अच्छी लाइफ होती है आईटी। बट ये सब आपको कब मिलेगा? इफ यू विल क्रैक जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, अगर आप ये एग्जाम क्रैक करोगे 12th के बाद, तो आपको ऐसी लाइफ मिलेगी, तो आपका करियर ऑलमोस्ट सेट, ठीक है। अगर आप आईटी में पढ़ते हो तो आपका करियर ऑलमोस्ट सेट है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं कि जो आईटी नहीं पढ़े हुए तो उनका करियर सेट नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आईटी नहीं पढ़ा हुआ है पर फिर भी आज बहुत ही अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छे खासे लाइफ उनकी है, ओके। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, मुकेश अंबानी का देख लो, आईटी से उतना पढ़ा हुआ है, बट ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से काउंटेबल अनकाउंटेबल पर्सन है, ठीक है, अनकाउंटेबल पर्सन है, बट काउंटेबल, ओके। फिर प्रॉब्लम की बात करते हैं लोग, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सपोज आप 9th 10th पढ़ रहे हो, ठीक है, 9th 10th के बाद आप 11th 12th में आते हो, अवेयरनेस नहीं आपके पास, जो भी क्या है इतना इंपॉर्टेंट है उसका, तो आप 11th 12th में क्या पढ़ते हो, आप सिर्फ बोर्ड्स पढ़ते हो, आप सिर्फ बोर्ड्स ही पढ़ते हो 11th 12th में, क्या बोर्ड के जो मार्क्स हैं आपको कॉलेज में वो इंजीनियरिंग दिलाने में मैटर करेगा? तो भैया ना, फिर बोर्ड के मार्क्स मतलब किस लिए है, उसके मार्क्स उसके परसेंटेज क्या मतलब है, कुछ मतलब है उसका? तो नहीं, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है चीज। अगर आपको बीएससी करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग के सिवाय कुछ भी करना है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के सिवाय कुछ भी करना है, तो भैया मतलब बहुत ज्यादा मतलब है, आपको उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है, ओके। और ऐसे एक्चुअली बहुत सारी ऐसी अच्छे खासी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे अच्छी खासी कॉलेज हैं, एनआईटीज हैं, जो जो जेडब्ल्यू के मार्क्स के बेस पे, जेडब्ल्यू की मेंस के मार्क्स के बेस पे आपको बीएससी और एमएससी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है तो, ठीक है, बट एंड टाइम अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेडब्ल्यू एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद है, अगर सपोज आपकी आपने एग्जाम भी दिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको एग्जाम नहीं क्वालिफाई होती, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? सी, ये 4 साल के बाद का आपको बता रहा हूँ मैं जी, सी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो ऐसा मोस्टली होता है, ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा जिसके बाद उसके बाद नहीं होता होगा, बट मोस्टली ये होता है, दैट इज रियलिटी, ओके। सपोज यू आर अनएबल टू क्रैक जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, तो आपने कहाँ एडमिशन लिया, आपने स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट हर एक गवर्नमेंट में क्या होता है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तो होती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है रन करती है, ठीक है, बहुत अच्छी कॉलेज वगैरह होती है, टॉप कॉलेज होती है उनके ही स्टेट के अंदर एज अ गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट कॉलेज, तो अगर वहां से आप इंजीनियरिंग करते हो, अगर आप वहां से फोर ईयर का आप इंजीनियरिंग करते हो, तो इसके बाद आपको जो पैकेज मिलेगा, जो आपको जो सैलरी मिलेगी, वो मोस्टली ऑन एन एवरेज कितना होता है, वो होता है 6 लाख रुपीज पर ईयर, मतलब 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज पर मंथ, ओके, मतलब 50,000 रुपये महीना, ये स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हो, ये 6 लाख रुपए पर साल पर ईयर, और जो आईटी से आप करोगे तो 60 लाख रुपीज पर ईयर, दैट मीन्स समझ रहे हो, ये इसका सिर्फ 10% है, 10% है, कहाँ ये 60 लाख रुपीज, कहाँ ये 6 लाख रुपीज, दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है, बहुत ही है, सब ऐसा होता ही है। हाँ कुछ स्टूडेंट होते होंगे जो बहुत ही टॉप लेवल के होंगे, जिसके पास अच्छा खासा स्किल होगा, तो वो लोग को अच्छा खासा पैकेज मिलता है, नो डाउट मिलता है, बट ऑन एन एवरेज मोस्टली लोग को 6 लाख पर ईयर का हक मिलता है, ओके, वो भी बहुत ही हार्ड वर्क मिल गया है, अदरवाइज आजकल तो ऐसा भी होता है कि 25,000 रुपीज पर मंथ लोगों को सैलरी मिलती है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम वेल रेपुटेड कॉलेज इंजीनियरिंग से,
बैकग्राउंड से, ठीक है। मैं आपको ये मैंने बताया, ये मैक्सिमम मैंने बताया, ठीक है। फिर भी आईआईटी से कंपैरिजन करोगे तो आपको 10% ही उसका हो रहा है, उसका 10% ही हो रहा है। सोचो यहाँ की लाइफ 60 लाख की लाइफ और ये 6 लाख की लाइफ, ठीक है। फिर अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में कैसा होता है, प्राइवेट में कॉलेज तो मिल जाती है आपको अच्छी खासी, ठीक है। वो लोग बहुत ही अटेंड करेंगे कि भैया आपको 4 ईयर पढ़ने के बाद आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट दिखाएंगे, हाईएस्ट पैकेज का दिखाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि आपके पहले तो आपसे अच्छा खासा इनकम ले लेंगे वो लोग, ठीक है। पहले अच्छा खासा आपसे इनकम ले लेंगे, मतलब कि आपकी फीस ले लेंगे, ठीक है, लाखों रुपीज फीस ले लेंगे। फिर क्या करते हैं लोग, प्लेसमेंट तो करवाते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट करवाते हैं, 2 साल आपको जॉब करवाएंगे, जॉब पे रखेंगे, 2 साल जॉब करवाएंगे, फिर आपको अच्छा खासा सैलरी देंगे, फिर 2 साल बाद फायर कर दिया। फिर जो दूसरी बैच आएगी पढ़ने के लिए, फिर वो लोग उसको जॉब पे रखेंगे, फिर 2 साल बाद उसको भी निकाल देंगे, फिर दूसरी बैच आएगी पढ़ने के लिए, उसको रखेंगे, उसको निकाल देंगे। तो ये लोग क्या है, हायर एंड फायर, हायर करते हैं फिर फायर करते हैं, हायर करते हैं फिर फायर करते हैं, ऐसी पॉलिसी लोग की चलती ही रहती है। तो देर इज नो मीनिंग टू परस्यू योर करियर, टू परस्यू योर इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम द प्राइवेट। यू शुड गो फॉर जेडब्ल्यू, यू शुड गो फॉर जेडब्ल्यू। और जेडब्ल्यू की मोस्टली जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना फिलहाल, वो लोग 11th 12th से करते हैं, ओके। ये लेट नहीं है, बट लोगों का कहना ऐसा है, बहुत से अच्छे खासे टीचर्स का, बहुत ही अच्छे खासे प्रोफेसर लोग का, उनका कहना है अगर आप अपनी प्रिपरेशन 9th और 10th से, बेसिक 9th 10th से अगर स्टार्ट करते तो ना बेसिक, ओके, तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अभी जो आपने 2021 का रिजल्ट देखा होगा, 2020 का रिजल्ट देखा होगा, जो उसमें टॉप 10 होते हैं ना, टॉप 10 हो गया या टॉप 100 हो गया ना, जनरली में टॉप 100 हो गया ना, वो लोग अपनी प्रिपरेशन क्या करते हैं 9th 10th से। मैं एक्चुअली लेट बोल रहा हूँ 9th 10th, वो लोग 8 से या 6 से लोग की क्लास चालू कर देते हैं। आप लोग देखोगे ना मार्केट में या अदरवाइज वेबसाइट में या ऑनलाइन नेट इंटरनेट पे, तो आप लोग को जेडब्ल्यू की जो टेक्स्ट बुक है वो आपको 6 क्लास से ही मिलना चालू हो जाएगी। उनकी जो टेक्स्ट बुक होती है 6 से 12 क्लास की टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड की आने लगती है, ओके। तो दैट इज बेटर कि आप 9th 10th में पहले अच्छा खासा अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, फिर एनसीईआरटी से थोड़ा एक लेवल अप आपकी प्रिपरेशन रखो, ठीक है। जैसे कि आप अलग अलग बुक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे इन फ्यूचर में, वीडियो आई विल अपलोड सम वीडियो रिगार्डिंग दिस। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने रियलिटी देखा कि अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, अगर आपको अच्छा खासा इन्वायरमेंट चाहिए, अगर आपको अच्छा खासा करियर चाहिए, तो डेफिनेटली जेनरली आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज रियलिटी। अगर आपको एक अच्छा खासा इंजीनियर बनना है, एक अच्छा खासा इंजीनियर बनना है एक अच्छी खासी कॉलेज से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो कुछ मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट विल बी डिपेंड अप टू योर स्किल, आपका इंटरेस्ट, ओके, आप कहाँ से तो जाते हो, आप कितना हार्डवर्क करते हो। एट द एंड कॉलेज मैटर नहीं करता, ये बहुत ही कम पर्सन के लिए मैटर करता है, ठीक है। बहुत ही कम पर्सन जैसे होते हैं जो यू नो उस नॉर्मल कॉलेज में निकल के बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, जो आईआईटी के लोग होते हैं ना, आईआईटी के लोग, आईआईटी हो गया या एनआईटी हो गया, वो लोग ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। वो लोग का जो फ्यूचर होता है ना ऑलमोस्ट सेट होता है अगर वो लोग आईआईटी में है तो, ओके। सो होप ये आपको जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि जो भी चीजें मैंने फैक्चुअल बात की और रियलिटी बात की, ठीक है। एंड ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और मेक श्योर आप ये चैनल सब्सक्राइब करो। आपको अपकमिंग वीडियोस के लिए आई विल अपलोड द वीडियोस रिगार्डिंग क्लास 9th 10th 11th 12th, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।